तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जन विरोधी नीति का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। मंगलवार को ईसीएल के विभिन्न एरिया में पद सभा करके प्रदर्शन किया गया। देश की जनता भूखी मरेगी और आप अंबानी और अदानी और रिलायंस को बीएसएनएल के 4 महीना से वेतन न मिलने के कगार पे है। आज उस चलते आपकी इसका कमाई नहीं होता है, एयर इंडिया में कमाई नहीं होता है, उसको हम बंद करेंगे। किस लिए बंद करेंगे? कि ये कमा नहीं रहा है। मगर आपने वित्त मंत्री का झोला नहीं देखा, दूर संचार मंत्री का झोला नहीं देखा कि उनकी फैक्ट्रियां बन रही है बेंगलोर में, उनका स्विच बैंक में रुपया जा रहा है और आप यहां जनता के पास वोट लेके गए हैं। आप सुन लीजिए मोदी जी, सरकार का डिसीजन है, मोदी जी का डिसीजन है, इसको मानना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसीलिए आप लोगों ने जिताया था, 303 एमपी देकर के मोदी जी की सरकार बनी। अभी मुश्किल से 2 महीना भी नहीं हुआ, 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट डी इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। ये विचार करने की बात है। आप कोयला मजदूर हो, आपको चिंता करने की बात है कि ये देश किस तरह जा रहा है। देश में जो है आज मजदूर जो है चिंता कर रहे हैं, आज कोयला खदान के मजदूर चिंता कर रहे हैं कि 4200 पब्लिक सेक्टर तो चला गया, अब नंबर है कोयला का, कोयला भी आज नहीं कल प्राइवेट में चला जाएगा तो हमारा क्या होगा।